शहरी में और इफ्तार में कोई बाहर निकलेगा तो पुलिस इतना मारेगी कि देखने वाला थर्रा जाएगा। लेकिन शराब की दुकान खुल गई है और इतनी भीड़ है कि शायद मेरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कमिश्नर और पुलिस के लोग ये देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है, कितने डंडे मारे गए वहां पर, कितने पुलिस वाले ने उनको पटक करके उनकी पीठ पर आदमी चढ़ा करके मारा, एक भी नजर नहीं आएगा। शराब पीने के बाद आदमी पागल हो जाता है, हैवान हो जाता है, माँ और बहन को नहीं पहचानता। रमजान के महीने में ये बुरा काम सरकार ने इजाजत दे दिया और सहरी और इफ्तार के लिए बाहर निकले डंडा मारा जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इतना पावर किसी को मत दीजिए, नहीं तो वरना क्या होगा कि इसका रिएक्शन होगा, इससे और हालत बढ़ेगी। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं लोगों से कि भाई आप लोग लॉकडाउन का पालन करें प्लीज, यही एक दवा है इसकी। अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी नहीं खत्म होगी तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, कारोबार बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा, इलाज नहीं करवा पाएंगे, अपने गांव घर नहीं जा पाएंगे। तो प्लीज़ कुछ दिनों की बात है, ज़रा लॉकडाउन का के लिए सोशल मीडिया का ज़रा ख्याल कीजिए। मैं बार बार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टीवी पे कि कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो पुलिस उनको डंडे मारती है, डंडे मारते नहीं, डंडे उनको लिटा करके दो लोग पकड़ करके उनके पीठ पे उनके उनके पैर पे ऐसी बुरी तरह मारते हैं जिसे लगता है कि कोई सज़ा दी जा रही है बहुत तगड़ी, कोई मर्डर का या कोई रॉबरी का, कोई रेप का आरोपी बहुत बड़ा बदमाश पकड़ा गया हो। देखिए मैं मानता हूँ कि लोग लॉकडाउन का जिस तरह पालन करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी इस तरह मारना नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा पुलिस को पावर मत दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये जिस तरह अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार सहरी लोगों को सामान खरीदना है, लोग तकलीफ में हैं, वहाँ पुलिस लगाइए लोगों को, ठीक है थोड़ा डंडे से डराए डराया जाए किया जाए, लेकिन मुझे बताइए ना कि ये एक रिलीजियस मामला है, साल में एक बार आता है महीने भर के लिए, और जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया मुसलमानों के महलों को कि ये जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से तबलीग जमात को लगातार नेशनल मीडिया ने मतलब पूरे पूरे दिन शायद कई करोड़ रुपया खर्च करते तो इतनी पब्लिसिटी उनकी नहीं होती जितनी मीडिया ने उनको बदनाम करने में किया है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि लोग जो गांव जाना चाहते हैं उसको कुछ आसान तरीका बनाइए। आपने पुलिस को जिम्मेदार बना दिया, हर जगह पुलिस, अरे आप समाज के वो लोग, महिला कमेटी बनाइए, टीचर्स, पढ़े लिखे लोग, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल लोगों को एक ग्रुप बनाइए एक एक वार्ड के अंदर, और उनको उनके जरिए फॉर्म भरवा करके प्रायोरिटी किसकी है, कौन जाना चाहता है वो तय करने दीजिए। सिर्फ पुलिस को मत इन्वॉल्व, पुलिस तो बेचारी बहुत काम कर रही है। नहीं मुझे बताइए कि मैंने 2 दिन पहले समता नगर की कंप्लेन किया था कि फार्म जो दे रहे हैं उस पर 20-20, 25-25 रुपये लिया जा रहा है और मना करने पर 10 डंडे मारे गए। मुझे बताइए आप कि वो रिश्वतखोरी नहीं होगी? कोई जल्दी जाना चाहता है उसके 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, बजाय जल्दी जाना है उसके प्रॉब्लम है दे देगा पैसे। लेकिन अगर कोई सोशल ग्रुप बैठ जाए, कोई उसमें के अंदर वहाँ के वार्ड अध्यक्ष, वहाँ का वार्ड प्रेसिडेंट बन जाए, वहाँ के पॉलिटिकल लोग, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के डॉक्टर्स की छोटी छोटी कमेटी बनाकर ये काम किया जाए तो मुझे लगता है कि रिश्वतखोरी नहीं होगी और शायद इंसाफ से काम हो सकता है। वहाँ भले पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बिठा दिया जाए, लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ पुलिस को देकर के ना ये ठीक बात नहीं है। मैं एक पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते मैं अपना दुख जाहिर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार ज़रूर सोचेगी। आपका अबू आसिम आज़मी।